अखलाक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या लॉकडाउन करना मसले का हल है या हमारे जो ज़मीनी हकायक हैं वो इससे मुख्तलिफ है? ये लॉकडाउन तो मसले का हल है, और लॉकडाउन हमें अच्छा, ये वज़ीरे आला साहब को मैं ये भी यानी कि खराज तहसीन पेश करूँ, उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन किया, ये सही फैसला है, सही फैसला था। लेकिन लॉकडाउन करने के बाद ये भी उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों तक राशन पहुँचाना और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करना। वाह वाह वाह, हम लॉकडाउन तो हमने कर दिए, लेकिन आज भी देखें कि गरीब आदमी जब जो ना बीमार होता है तो लॉकडाउन जब होगा तो वो कहाँ जाएगा? हाँ। मोटरसाइकिल लोगों के पास हैं लेकिन पंचर की दुकान बंद है, हाँ, तो उसका वो कैसे उसका इस्तेमाल करेगा? उसका हल भी तो हमने निकालना है ना। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो कराची में मसला है वो ये है कि तमाम अस्पताल को में जो दूसरे मरीज़ हैं ना, कोई शुगर का मरीज़ जो है, कोई और कोरोना के सिवा अच्छा अमराज नहीं, है, वो उन मरीज उनके तमाम ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, यानी कि जो अभी तक कोई ये मामले को उठा नहीं रहा है कि तमाम ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं, उनके ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, तो वो मरीज़ कहाँ पर जाएंगे? ये आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया कि ये ना हो कि हम इस वबा से मुकाबला करते करते कहीं उन तमाम अमराज के हामिल अफराद को भूल जाएं कि जो वाकईतन एक मुश्किल से गुजर रहे हैं। आप क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब, क्या लॉकडाउन आपकी नज़र में, ये जो लॉकडाउन इस वक्त सिंध में मौजूद है, ये काफ़ी है या इसको सख्त होना चाहिए या इसमें नरमी होनी चाहिए? मेरा नज़दीक तो सख्त होना चाहिए। और देखें, वहाँ जो चाइना से स्टार्ट हुआ था और वहीं से आपको गाइडलाइन मिलती, वहाँ पे अभी ना होने के बराबर केस है। यानी आपने ये कहा कि अगर हमारे पास केस स्टडी है तो वो है, वो तो आप उसको देख करके अपना लॉकडाउन बनाए। जो जैसे अभी हमारे हाजमी साहब ने कहा कि सिस्टम ये होना चाहिए, वहाँ पे होता क्या था, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से उन स्टूडेंट्स ने व्हाट्सअप किए, मैसेजेस किए हमें निकाल लें, लेकिन बाद में उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया हमने नहीं निकाला। हर घर में जाके चाइनीज़ खुद खाने पीने की चीज़ें पहुँचाया करते हैं। क्या बात, क्या अच्छी बात है आपकी। वही बात जो आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि फिर उनको सलीके से लॉकडाउन के बाद केयर भी की जाए। और आपने जब नौजवानों की बात की तो हमारे मुल्क में भी ऐसे शानदार नौजवान हैं जो बहुत ही आला काम कर रहे हैं और इस लॉकडाउन की सूरत हाल में वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि बुनियादी तौर पर कोई रजाकार जो है वो खुद से नहीं बनता, वो